हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक न्यू वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो और अगर आप सीएमए कोर्स को कर रहे हो तो आपको क्या चैलेंजेज आएंगे और उसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। इस चीज के लिए वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है। एंड मैं खुद भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। क्लास 12 तक मेरी हिंदी मीडियम थी। एंड आफ्टर दैट आई ज्वाइन द सीएमए कोर्स। देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स I was faced and how I can resolve it। तो मैंने क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको जो प्रॉब्लम आएगी अकाउंट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको प्रॉब्लम लॉ के पेपर में आ सकती है, इकोनॉमिक्स के पेपर में आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, थ्योरेटिकल टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा है एंड इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा समझना। तो मैंने क्या किया था, इनिशियल स्टेज में मैंने जो भी वर्ड्स होते थे जिसकी हिंदी मीनिंग मुझे नहीं आती थी, बिकॉज अगर आपको हिंदी नहीं आ रही है और इंग्लिश भी नहीं आ रही है तो आप समझ नहीं सकते हो। तो उन सारे वर्ड्स जिसके मुझे मीनिंग नहीं आ रही थी, मैंने उसके ऊपर उसकी हिंदी मीनिंग लिखना शुरू किया। एंड मैंने बुक के ऊपर लिखना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि मैंने एक अलग से एक नोटबुक मेंटेन किया जिसमें मैंने पहले इंग्लिश फिर उसकी हिंदी रिकॉर्ड की, ऐसा नहीं किया। मैंने बुक में ही हर एक वर्ड के ऊपर उसकी हिंदी मीनिंग को राइट डाउन किया। इसका क्या एडवांटेज मिला मुझे, इसका एडवांटेज ये मिला कि पहले तो मुझे इंग्लिश समझ में आने लगा। जब मैं उसकी हिंदी मीनिंग वहाँ पे मैंने राइट डाउन कर दिया तो मुझे उसकी हिंदी मीनिंग समझ में आने लगी, एग्जैक्टली ये सेंटेंस या वर्ड क्या कहना चाहता है। फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट, जब आप उस वर्ड को रीड करोगे जितने भी टाइम्स, 1 टाइम 2 टाइम्स, तो आपको क्या होगा कि उसके सामने आपको उसकी हिंदी मीनिंग भी दिखेगी। तो आपको वर्ड प्लस उसकी मीनिंग आपको ये भी याद हो जाता है। तो ये ना काफी इजी हो जाता है आपके लिए समझने के लिए भी, प्लस आपके फ्यूचर के लिए भी, बिकॉज फ्यूचर में जब आप इंटर लेवल पे या फाइनल लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको ये सारे वर्ड्स मिलेंगे। और यहाँ पे ना बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको नहीं मिलने वाले। फाउंडेशन इंटरमीडिएट में आपको प्रॉब्लम्स आएगा, बिकॉज फाउंडेशन में बहुत लिमिटेड से टॉपिक्स है। जब आप इंटरमीडिएट में आओगे तो आपको और ज़्यादा वर्ड्स मिलेंगे। फाइनल में क्या है, ऐसा बहुत सारा न्यू वर्ड्स आपको नहीं मिलेगा, वो फाउंडेशन इंटरमीडिएट के रिपीटेड वर्ड्स होंगे। तो मेरे साथ ये था, जो मैंने फाउंडेशन में वर्क किया, फिर मैंने इंटरमीडिएट में वर्क किया खुद के ऊपर, एंड देन मुझे फाइनल में प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसके अलावा मैं आपको ये सेशन दूंगा कि आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस जरूर लो। रीजन क्या है कि टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉ के लिए या फिर किसी अदर सब्जेक्ट के लिए। जब भी आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको इस चीज़ समझना पड़ेगा कि ये जो केस है ये पास्ट का है या फ्यूचर का है। वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको टेंस की नॉलेज होगी। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप हर एक वर्ड के साथ, हर एक वर्ड के ऊपर आप उसकी हिंदी मीनिंग को राइट डाउन करो। एंड इसके अलावा आप इंग्लिश ग्रामर में एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश ग्रामर आप क्लासेज लो अभी से, जिसके कारण आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और स्पेशली लॉ के सब्जेक्ट में ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से बच्चों के कम नंबर आते हैं या बहुत बच्चे मैक्सिमम लॉ के सब्जेक्ट में फेल करते हैं। तो उसका यही रीजन है कि उनकी ग्रामर बहुत वीक है। मेरी खुद की भी बहुत वीक थी, जिसकी वजह से मेरे भी लॉ में नंबर कम आते थे। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप लॉ की क्लासेज लो। एंड इनफैक्ट इसके अलावा आप ग्रामर की क्लासेज लो। एंड जो चीज़ें मैंने आपको बताई है आप उसको फॉलो करो, आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।